जितनी भी मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है इधर नीचे आप देखो यार, यहाँ भी प्रॉपर भाई इसमें सारे में मिट्टी हो रखी है। आप देखो ये सामने के सामने इसमें रेडिएटर में भाई मच्छर फंस गए, इधर पूरी की पूरी मिट्टी हो रखी है एंड सामने ऊपर से देखो कितनी गंदी है। मतलब ये जो रेडिएटर वगैरह में मच्छर वगैरह ये सारे निकलवाने तो पड़ेंगे ना। अब हमारे सामने हमारी थार खड़ी हुई है। अब पहले तुम इसकी एक बार बाहर से कंडीशन देखो, सामने से देख लो भाई। अब तुम भाई एक बार ये पहले बाहर से इधर से भी देख लो, अब चलते हैं गाड़ी के एक बार अंदर। अंदर जाने के बाद देखो भाई तुम गाड़ी की क्या कंडीशन है। गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। यार आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। रीजन पता है क्या यार, जब हम गाड़ी लेते हैं हमें पता ही नहीं होता अपनी गाड़ी को कब वॉश कराना है, कब ड्राई क्लीन कराना है, क्या बेनिफिट होंगे, क्या फायदा होता है, क्या रिजल्ट आएंगे। तो ये वीडियो तो भाई आपके लिए है क्योंकि मैं आपको प्रॉपर दिखाने वाला हूँ कि भाई जब आप गाड़ी की अपनी की ड्राई क्लीन कराते हैं तो भाई क्या क्या गाड़ी के अंदर बदल जाएगा, क्या कंडीशन है, कैसी हो जाएगी, अंदर से क्या फायदा होता है, बाहर से क्या फायदा होता है। देखो यार एक तो होती है नॉर्मल वॉशिंग। वॉशिंग में क्या होगा, आप अपनी गाड़ी को बाहर से वॉश करा लोगे, अंदर भाई इसके डैशबोर्ड वगैरह पे पॉलिश लगा के गाड़ी को चमका दोगे, लेकिन यार वो ड्राई क्लीन नहीं है। ड्राई क्लीन का क्या मतलब है भाई, जो इसके इंटीरियर है प्रॉपर, इसके जो सीट कवर है, छत है, एसी वेंट है, यहाँ से आप देख रहे होंगे कितनी गाड़ी गंदी हो रखी है सारी भाई, जितनी भी मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है इधर नीचे आप देखो यार, यहाँ भी प्रॉपर भाई इसमें सारे में मिट्टी हो रखी है। आप देखो ध्यान से, मैं नीचे में लेके जाता हूँ, देख रहे कितना गंद गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ है। अब इसको अगर निकलवाना है तो भाई ये वॉशिंग से नहीं निकलेगा, या तो भाई तुम इसको वैक्यूम करवा लो थोड़ा बहुत निकल जाएगा, लेकिन अगर प्रॉपर निकलवाना है तो ड्राई क्लीन करानी पड़ेगी। तो आज हम इस गाड़ी को ड्राई क्लीन पर ही लेके जाने वाले हैं। तो देखो अब ड्राई क्लीन में तो टाइम लगेगा, हो सकता है गाड़ी कल मिले हमें, क्योंकि गाड़ी को सुखाना भी होता है, धोना होता है, बहुत टाइम लगेगा गाड़ी में, तो हम गाड़ी को तो वहीं पे छोड़ के आ जाएंगे। लेकिन मैं उससे पहले आपको एक बार कंडीशन दिखाना चाहता हूँ अपनी गाड़ी की प्रॉपर, कि भाई इसकी कंडीशन अभी है क्या और ड्राई क्लीन के बाद क्या हो जाएगी, फिर आप उससे आइडिया लगा लेना आपको करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, वेस्ट ऑफ मनी तो नहीं है। क्योंकि ड्राई क्लीन कराने के भाई देखो कोई 1500 रुपए चार्ज करता है, कोई 3000-3500 रुपए चार्ज करता है, कोई 5000 रुपए तक चार्ज करता है, डिपेंड करता है आप कहाँ से और कितने लेवल पे करा रहे हैं। तो देखो जो मेरी अभी ड्राई क्लीन होने वाली है उसका चार्ज होएगा भाई नॉर्मली 3500 रुपए। तो 3500 रुपए की ड्राई क्लीन मैं अपनी गाड़ी की कराऊंगा, प्रॉपर एक अच्छी स्टूडियो भाई वहां लेके जाएंगे, क्योंकि मुझे ना अच्छा काम पसंद आता है, बेकार पसंद ही नहीं आता भाई। कहने को तो मैं 1000 रुपए में ड्राई क्लीन करा लूंगा, लेकिन 1000 वाली अपने को नहीं जमती। तो 3500 रुपए की ड्राई क्लीन अपनी गाड़ी में होगी, सीधा जाएगी गाड़ी वेस्ट को अंदर से लेके बाहर तक वॉश करेंगे, यहाँ तक कि इसका जो हुड है भाई इसको भी खोल के अंदर से इसका इंजन भी वॉश करेंगे। तो मैं आपको प्रॉपर अभी दिखाई देता हूँ पहले कंडीशन। अभी मैंने ये गेट खोल लिया, अब तुम ये देखो भाई यहाँ से देखना शुरू करो ये गाड़ी कितनी गंदी हो रखी है। देखो ये प्रॉपर हर एक जगह गाड़ी के अंदर मिट्टी रेता पड़ा हुआ है। इसके नीचे भी दिखाऊं तुम्हें, इसके नीचे भी भाई काफी गंदी हो रखी है। अगर इसको उठाऊंगा इसके नीचे भी भाई ज्यादा गंदी नहीं है, लेकिन ये भी गंदा ही हो रखा है प्रॉपर। यहाँ देखो ये सारी गाड़ी गंदी हो रखी है, इंटीरियर भी भाई गंदा हो रखा है, एसी वेंट गंदे हो रखे है। देखो यहाँ से ये प्रॉपर हैंडल वगैरह है, इधर से यहाँ से देखो ये भी भाई इसका सारा गंदा हो रखा है। मतलब ये जो गंद है गाड़ी के अंदर ये मुझे निकलवाना है। आप बोल रहे होंगे भाई आप इस गाड़ी को गंदी गाड़ी बोल रहे हैं, तो देखो यार मेरे लिए तो ये गंदी है, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये साफ ही होगी, क्योंकि भाई इतनी तो गंदी पे तब रखते हैं जब वॉशिंग करा के लाए। अब मुझे तो भाई मजा नहीं आ रहा अपनी गाड़ी को चलाने में, मैं इसलिए इसको चला ही नहीं रहा भाई, 2 दिन से खड़ी हुई है, मन ही नहीं कर रहा गाड़ी को चलाने का। ड्राई क्लीन होगी साफ हो जाएगी तभी चलाऊंगा, गंदी गाड़ी चलाने में मजा ही नहीं आता भाई, हाइजीन ये मतलब पसंद नहीं है मुझे ये सारी चीजें। अब तुम बाहर से देखो एक बार, इसकी जितना भी है ना सारा का सारा गंद भरा हुआ है गाड़ी के अंदर। ये सामने के सामने इसमें रेडिएटर में भाई मच्छर फंस गए, इधर पूरी की पूरी मिट्टी हो रखी है एंड सामने ऊपर से देखो कितनी गंदी है। मतलब ये जो रेडिएटर वगैरह में मच्छर वगैरह ये सारे निकलवाने तो पड़ेंगे ना, अंदर इंजन में भी भाई इसके पूरा गंद हो रखा है। तो इसको एक बार साफ करवाते हैं, साफ करवाने के बाद देखेंगे भाई क्या हो जाएगा, कैसी वॉशिंग हो जाएगी। अभी एक बार तुम देख लो इसके प्रॉपर एलोइज वगैरह कितने गंदे हो रखे हैं, यहाँ से भी मिट्टी वगैरह सारे में लगी हुई है। अंदर से मैंने आपको दिखाने का ट्राई करा, एक बार बाहर से भी देख लो, फिर इसके बाद इसको छोड़ के आ जाएंगे एंड भाई फिर इसको हम कल लेके आएंगे जब भी हमें यह मिलेगी, उसके बाद आपको एक बार इसकी कंडीशन दिखा दूंगा। पीछे से एक बार देख लो भाई, पीछे से कुछ ऐसी कंडीशन है गाड़ी की, अभी इतना गंद हो रखा है पीछे, इसको खोल के दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ से तो ज़्यादा गंद नहीं है भाई, यहाँ जितना कोई खोलता ही कौन है इसको, पीछे इसमें थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह लगी हुई है। तो ठीक है अभी इसको बंद कर देते हैं और इसको सीधा एक बार छोड़ के आते हैं वहाँ, फिर देखते हैं भाई इसमें क्या कुछ बदलेगा। अब भाई इसको गाड़ी को यहाँ लाते लाते ना मुझे थोड़ी सी शाम होगी, क्योंकि मैं किसी काम से चला गया था, तो अभी मैं इसको यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ भाई ड्राई क्लीन के लिए। यहाँ ये देखो भाई ये सारे मैट वगैरह थे उन्होंने निकाल दिए एंड भाई प्रॉपर उधर वॉशिंग और दूसरी गाड़ियों की चल रही है, तो इसको इधर छोड़ के चले जाते हैं एंड भाई कल आऊंगा मैं, कल आके देखते हैं फिर कैसी वॉशिंग होएगी, क्योंकि अब तो रात हो गई, आज तो कर ही नहीं पाएंगे, कल तो मैं दिखाऊंगा भाई ड्राई क्लीन होने के बाद कैसी लगेगी ये थार। गाइस फाइनली हमारी गाड़ी वापस से हमारे पास आ गई है। देखो यार गाड़ी को ड्राई क्लीन होने में पूरा 1 दिन लगा और 1 दिन ड्राई क्लीन होने के बाद गाड़ी अब हमारे सामने खड़ी हुई है।
और मैं तुम्हें भाई प्रॉपर दिखाऊंगा। देखो यार तुमने पहली वीडियो सारी देख ही ली है अभी तक, अगर देख लिया तो बहुत काम की थी, अगर आपने नहीं देखी है तो भाई इसको पीछे से जो आपने कट करे ना दोबारा से देखो एक बार, क्योंकि मजा अब आने वाला है वीडियो के अंदर। मजा अब क्यों आएगा, अब हमारे सामने हमारी थार खड़ी हुई है। अब पहले तुम इसकी एक बार बाहर से कंडीशन देखो, सामने से देख लो भाई, ये थोड़ी बहुत देखो मिट्टी तो बैठ ही जाती है अगर मैं गाड़ी को यहाँ तक लेके आया हूँ। पहले एक बार खुद देखो अपनी आंखों से। अब ये सारे जो बम्पर वगैरह भाई पॉलिश वगैरह उन्होंने करके दिया है, यहाँ तक की जो भाई टायर के अंदर का ये पार्ट है ना यहाँ पे भी उन्होंने पॉलिश करके दिया। मैं तुम्हें दिखाता हूँ पीछे से, पीछे से देखो ये पूरा का पूरा भाई बिल्कुल क्लीन करके दे रखा है, कोई भी मिट्टी नहीं मिलेगी। पीछे से अगर तुम्हें डोर खोल के दिखा दूँ, ये इसके पीछे का पार्ट है भाई, यहाँ पे भी मिट्टी वगैरह होती थी वो भी सारी हटा दी है, सारी क्लीन करके दिया है यहाँ से। अभी तुम्हें अंदर से जाके दिखाऊंगा एक बार। अब तुम भाई एक बार ये पहले बाहर से इधर से भी देख लो, अब चलते हैं गाड़ी के एक बार अंदर। अंदर जाने के बाद देखो भाई तुम गाड़ी की क्या कंडीशन है। अभी गाड़ी भाई तुम्हारे सामने है, यहाँ बंदे बैठते हैं ठीक है, पैर रखते हैं भाई, कितनी गंदी यहाँ से गाड़ी हो जाती है। अब तुम मैट देख के भाई इस चीज़ का आइडिया लगा लो कि डायरेक्टली होने के बाद आपकी गाड़ी आपको कैसी नजर आएगी। पूरा एक बार ये डोर देख लो अंदर से, अगर तुम्हें स्टेयरिंग वगैरह दिखा दो भाई, ये भी प्रॉपर बिल्कुल क्लीन करके दिया है, क्लस्टर वगैरह सारे क्लीन कर दिए भाई, पूरी की पूरी जो विंडशील है ना कहीं भी आपको एक भी दाग नहीं दिखेगा। मिरर से देख लो भाई, आपको ऐसे लगेगा कि गाड़ी के अंदर कोई मिरर दे ही नहीं रखा है, क्योंकि इतना क्लीन कर दिया भाई। इसमें मजा आ जाता है भाई ड्राई क्लीन कराने के बाद। अभी तुम अंदर से पीछे से देखो एक बार, ये इसके पीछे की कंडीशन है, जो यहाँ भी बिल्कुल क्लीन कर दिया, ऊपर की रूफ वगैरह भी बिल्कुल क्लीन कर दी, एंड भाई ये मिरर वगैरह भी यहाँ से बिल्कुल क्लीन है। मतलब भाई गाड़ी का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो उन्होंने क्लीन करके ना दिया हो, एंड ये गाड़ी मुझे दी है भाई उन्होंने एक दिन बाद, पूरा एक दिन उनको लगा है। अब एक चीज बनती है कि भाई आपको ड्राई क्लीन करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, अब नॉर्मल वॉशिंग करा लेनी चाहिए, डिपेंड करता है भाई आपके बजट के ऊपर, आपका बजट क्या है। अगर आप वॉशिंग कराना चाहते हैं 400 रुपए में आपकी गाड़ी वॉशिंग हो जाएगी, लेकिन जो ये गाड़ी में भी आप चमक देख रहे हैं ये नहीं आएगी भाई, फिर आपको कम से कम वेट करना पड़ेगा भाई ड्राई क्लीन के लिए। अंदर से साफ कर देंगे, बाहर से साफ कर देंगे, नॉर्मल सस्ती वाली पॉलिश लगा के आपको दे देंगे 400 रुपए में, लेकिन वो मजा नहीं आता आपको जो आना चाहिए। तो उसके लिए आपको प्रॉपर ड्राई क्लीन ही करानी पड़ती है, क्योंकि ड्राई क्लीन जो होती है ना भाई केमिकल के साथ होती है, जैसे पूरी गाड़ी में आपकी केमिकल लगाया जाएगा, फिर मशीन से रगड़ी जाएगी, रगड़ने के बाद फोम वॉशिंग होगी उनकी भाई, फोम वगैरह से करते हैं कुछ, उसके बाद आपकी गाड़ी में ऐसी चमक आती है। तो भाई देखो मैं तो बोलूंगा आपको ड्राई क्लीन करा लेनी चाहिए अगर आपकी गाड़ी ज्यादा गंदी हो गई। ड्राई क्लीन कितने दिन में करानी चाहिए, मैं अपनी गाड़ी को 4 महीने में एक बार ड्राई क्लीन कराता हूँ, बाकी भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास कोई भी गाड़ी हो ना 4 महीने में एक बार ड्राई क्लीन पे जाएगी। 4 महीने के बीच में वॉशिंग होती है, हर संडे वॉशिंग होगी गाड़ी, और 4 महीने में एक बार ड्राई क्लीन होगी, 1 साल में एक बार कोटिंग होगी। तो मैं ये चीजें कराता हूँ भाई अपनी गाड़ी की केयर करने के लिए, बाकी तो यार आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका बजट क्या है। कुछ लोग पीपीएफ करा लेते हैं फिर उसके बाद भी कोटिंग वगैरह पे इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं क्या करता हूँ भाई मैं पीपीएफ थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ज्यादा मुझे एक्सपेंसिव लगती है वो। अगर तुम अपनी गाड़ी चला रहे हो कहीं से लगी पीपीएफ फट गई फिर दोबारा पीपीएफ कराओ यार, वो इतनी महंगी हो जाती है जितने में तुम्हारी गाड़ी भाई साल में 2 बार कोटिंग हो जाएगी। तो मैं तो यही सोचता हूँ भाई अपनी गाड़ी को कोटिंग करा लो, कोटिंग कराने के बाद छोटे मोटे स्क्रैच गाड़ी के ऊपर आएंगे ही नहीं आपके, उसके बाद अगर आपकी गाड़ी पे स्क्रैच आ भी गई 1 साल में एक बार कोटिंग हो जाएगी, हर 4 महीने में एक बार ड्राई क्लीन हो जाएगी, आपकी गाड़ी भाई नई की नई रहती है। बाकी भाई आप क्या करते हो अपनी गाड़ी को मेंटेन करने के लिए एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मैंने जो भी किया भाई मैंने आपको बता दिया, अभी अपनी गाड़ी के अंदर क्या क्या करवाया है, ड्राई क्लीन से पहले भी तुमने देखी थी, ड्राई क्लीन के बाद भी तुमने देखी। भाई ड्राई क्लीन मैंने कराई है क्रिस्टल ऑटो स्टूडियो पे, मॉडल टाउन में पड़ता है पानीपत में, तुम आओ भाई करा सकते हैं, जब मर्जी आप भाई भैया से कॉन्टेक्ट कर लो, नंबर वगैरह भी आपको दे देता हूँ ठीक है। तो भाई मुझे इनसे ही अच्छा लगता है, मतलब यार थोड़ा सा डीपली काम करते हैं, हमारे मॉडल टाउन की जितनी भी गाड़ियां ना सब इन्हीं के पास ड्राई क्लीन होने के लिए आती है। अच्छा काम करोगे तो भाई आएगा ही आएगा ठीक है तुम्हारे पास। अब तुम एक बार ये देख लो भाई गाड़ी की क्या कंडीशन थी, क्या इन्होंने करके दिया मुझे, तुम्हें अच्छा लगे अगर ये वर्क अच्छा लगा हो तो तुम इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, करवा सकते हो। बाकी तो भाई देखो आपके सामने है, अभी एक बार तुम भी खुद कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है आपको ये मेरी थार। अभी अंदर से भी आपको दिखाई, एक बार बाहर से और देख लो, ये प्रॉपर ये फाइनल इसकी कंडीशन है। आपको मेरी गाड़ी अच्छी लगी है तो उसके लिए भी एक बार लाइक और कमेंट कर दो, वीडियो अच्छी लगी है तो उसके लिए भी कर दो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।